हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ के लिए आज मैं लाया हूं समरी। समरी ऑफ अ लेसन एंड नेम ऑफ दैट लेसन इज इंडिगो। आपने पढ़ा होगा ये लेसन, काफी लेंथी है, डिटेल स्टडी आपने की होगी। आज मैं समरी, इसका ब्रीफ एक नोट आपके सामने देने वाला हूं, जिससे कि आप इस लेसन को आसानी से मेमोराइज कर सकें। समरी स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। और सब्सक्राइब करने का फायदा यह होगा कि आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां आपको बहुत सारी वीडियोस क्लास ट्वेल्थ की मिलने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। इंडिगो, इंडिगो क्या चीज है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडिगो इज अ क्रॉप, ये एक फसल है और कमर्शियल क्रॉप है, एक व्यापारिक फसल है। और यह फसल चंपारण, उन दिनों चंपारण में उगाई जाती थी। यहां से मैंने स्टार्ट किया है, मिड से स्टार्ट किया है मैंने इसको, कि चंपारण की जो चीफ कमर्शियल क्रॉप थी वो थी इंडिगो। और यहां पे क्या था, चंपारण में एक जो व्यवस्था थी वो कृषि की जो व्यवस्था थी वो शेयर क्रॉपिंग थी, बटाईदार व्यवस्था थी। बटाईदार किसान यहाँ पे थे। बटाईदार इसलिए थे क्योंकि जो जमीनें थी वो लैंडलॉर्ड्स की थी और टेनेंट्स छोटे किसान उन पर अपनी खेती किया करते थे। और जितनी जमीनें इन छोटे किसानों के पास थी उन किसानों को बाध्य किया जाता था, पीजेंट्स को बाध्य किया जाता था लैंडलॉर्ड्स के द्वारा 3/20 हिस्से पर, या हम कहें 50% हिस्से पर इंडिगो उगाने के लिए बाध्य किया जाता था। और वो उगाते थे इंडिगो, और उगाने के पश्चात सारे के सारी जो नील थी उस नील को ले लिया करते थे अंग्रेज लगान के रूप में, या मैं दूसरा कहूं रेंट, कर्ज के रूप में सारी के सारी व्यापारिक फसल को भारतीय किसानों से ले लिया करते थे। अभी क्या हुआ था कि जर्मनी ने इंडिगो, आर्टिफिशियल इंडिगो तैयार कर लिया था, अब फसल उगाने की जरूरत नहीं थी। और इस बात का पता लग गया था ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को। अभी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स चाहते थे कि भारतीय किसानों को पता लगे, इससे पहले हम खुद ही अपनी तरफ से पहल करते हैं भारतीय किसानों के साथ कि चलो हम तुम्हें मुक्त करते हैं, फ्री करते हैं इस इंडिगो फसल से, लेकिन इसके लिए हमको तुम्हें कंपेंसेशन देना पड़ेगा, हमें क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। कुछ किसान जो थे बड़े परेशान थे इस शेयर क्रॉपिंग से, वो तैयार हो गए कि अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ कि अंग्रेज हमसे ये फसल हम नहीं उगवाएंगे। तो कुछ किसानों ने क्या है कि कंपेंसेशन के रूप में राशि दे दी थी। बाद में कुछ किसान कोर्ट में गए, वहां पे वकीलों से के थ्रू वो केस लड़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा कुछ अच्छा हासिल नहीं कर पाए। बाद में किसानों को भी पता लग गया कि आर्टिफिशियल इंडिगो जर्मनी ने तैयार कर लिया है, तो वो अपना उस पैसे को जो अंग्रेजों को दे दिया था उन्होंने ऑलरेडी, उसे वापस लेना चाहते थे अंग्रेजों से, जो क्षतिपूर्ति के रूप में दे दिया था। अब यहाँ पे किसान और लैंडलॉर्ड के बीच में थोड़ी सी टकराव की स्थिति आ गई थी, और इस टकराव की स्थिति के दौरान गांधी जी चंपारण में आए थे। अब मैं आपको बताऊं कि गांधी जी चंपारण में कैसे आए थे। गांधी जी, अब स्टार्टिंग में क्या है कि गांधी जी 1942 में इस इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं, जो इस कहानी के जो राइटर है लुईस फिशर, 1942 में वो बता रहे थे कि कौन सी ऐसी घटना थी जिस घटना के बाद मैंने अंग्रेजों से कहा कि तुम भारत छोड़ो, भारत छोड़ के यहां से चले जाओ। उन्होंने कहना स्टार्ट किया कि 1916 के लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन चल रहा था। उस अधिवेशन के दौरान एक किसान आया, उस किसान का नाम था राजकुमार शुक्ल। और ये राजकुमार शुक्ल कहां से थे? चंपारण बिहार से थे। और ये राजकुमार शुक्ल वही किसान थे जो बटाईदार खेती से काफी परेशान थे, ये अन्याय कर रहे थे अंग्रेज। तो वो वहां आए उस अधिवेशन में, 1916 वाले अधिवेशन में, तो किसी ने राजकुमार शुक्ल से कहा कि तुम अपनी परेशानियों के बारे में गांधी जी को बताओ। तो वो राजकुमार शुक्ल गांधी जी के पास आए, गांधी जी को अपनी इस शेयर क्रॉपिंग के बारे में बताया, और अंग्रेजों के द्वारा जो अन्याय किया जा रहा था उनके ऊपर उसके बारे में बताया। तो गांधी जी काफी प्रभावित हुए उससे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि एट दिस टाइम आई कांट गो विद यू, कि तुरंत तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, मुझे अभी कानपुर जाना है। कानपुर के बाद मैंने पहले ही कमिटमेंट कर रखा है कि मुझे इंडिया के दूसरे पार्ट्स, दूसरे हिस्सों में भी जाना है। तो
जो जो राजकुमार शुक्ल था वो गांधी के पीछे पीछे ही चल दिया, जहां गांधी जी जा रहे थे वहीं वो उनके पीछे पीछे जा रहा था। तो गांधी जी काफी प्रभावित हुए उस किसान से, और प्रभावित होने के बाद गांधी जी ने कहा कि तुम क्या चाहते हो, उसने कहा कि फिक्स अ डेट, एक डेट फिक्स कर दो कि जहां मैं तुमसे मिलने आऊं और तुम मेरे साथ चंपारण चल सको। तो गांधी जी ने उनसे कहा कि मैं आपको उस डेट को कलकत्ता में मिलूंगा, वहां पे आप आना। तो ऑलरेडी राजकुमार शुक्ल उस तय डेट को ऑलरेडी वहां पे थे, और गांधी जी ने देखा कि वास्तव में ही एक रेजोल्यूट, एक दृढ़ निश्चय किसान है। तो वहां से गांधी जी उसके साथ चल दिए और पटना के लिए जा रहे हैं दोनों, क्योंकि जो चंपारण है वो पटना बिहार में है। गांधी जी को नहीं पता था कि चंपारण कहाँ पे है। चंपारण की एक्चुअल लोकेशन है कि वो हिमालय की फुट हिल्स में है, हिमालय की जो तराई है उस तराई में है। और गांधी जी अब चल दिए हैं पटना। अभी यहाँ पे पटना पहुंचने के बाद जो ये किसान है राजकुमार शुक्ल, गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि एडवोकेट है उनके घर लेके जाता है। वहां पे राजेंद्र प्रसाद मिलते नहीं है, तो जो वहां सर्वेंट्स होते हैं राजेंद्र प्रसाद के, दे न्यू दैट राजकुमार शुक्ल ही वॉज अ पीजेंट, वो जानते थे नौकर कि राजकुमार शुक्ल एक नौकर है, वो सॉरी किसान है। इसलिए गांधी जी को भी उन्होंने किसान समझा और उनको नीचे जमीन पर बिठा दिया, और गांधी जी को पानी भी नहीं खींचने दिया क्योंकि उनको लगा कि अगर बाल्टी में से पानी छलक जाएगा तो वो पूरे कुएं को प्रदूषित कर सकता है। तो वहां पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं मिले तो गांधी जी क्या है मुजफ्फरपुर की ओर चल दिए। मुजफ्फरपुर क्योंकि मुजफ्फरपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि जो चंपारण है वो मुजफ्फरपुर के रास्ते में ही है। मुजफ्फरपुर जाने से पहले गांधी जी ने टेलीग्राम कर दिया था जेबी कृपलानी को। जेबी कृपलानी को गांधी जी जानते थे, वो प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज में मुजफ्फरपुर में, और गांधी जी ने टेलीग्राम कर दिया इनसे। वो मिले हुए भी थे पहले ही, जो शांति निकेतन था, शांति निकेतन स्कूल में, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में इनसे मिले भी थे। तो नाइट में पहुंचे ये वहां 1917 की नाइट में पहुंचे, और यहां पे मैंने डेट लिखी हुई है 15 अप्रैल 1917 की मिडनाइट, 15 अप्रैल 1917। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो गांधी जी का अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला आंदोलन है चंपारण आंदोलन 1917 का ही है। सबसे पहला गांधी जी का पॉलिटिकल मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स 1917 में ही है। तो लेट नाइट पहुंचे थे, तो जेबी कृपलानी अपने स्टूडेंट्स के साथ रेलवे स्टेशन पर गांधी जी का स्वागत करने के लिए आए, और बहुत बड़ी भीड़ थी वहां पे। गांधी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ पे मेरे स्वागत के लिए आ गए, जबकि गांधी जी उस टाइम होम रूलिंग आंदोलन से जुड़े हुए थे, स्वशासन चाहते थे, और गांधी जी को लगा कि मैं होम रूल लीग आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं, उसके बावजूद भी ये लोग मेरे स्वागत के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो मुजफ्फरपुर पहुंच करके गांधी जी उस जो राजकुमार शुक्ल ने अन्याय के बारे में बात की थी, जो शेयर क्रॉपिंग के बारे में, जमींदारी प्रथा के बारे में बात की थी, तो और ज्यादा कुछ नॉलेज प्राप्त करने के लिए, और ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए यहाँ पे गांधी जी आ गए थे। और मुजफ्फरपुर से अब क्या है, गांधी जी चंपारण पहुंच गए हैं। चंपारण पहुंचने पर वहां के वकील गांधी जी से मिलने के लिए आए, और चंपारण के लोग गांधी जी से मिलने के लिए आए, तो एक काफी बड़ा हुजूम वहां पे इकट्ठा हो गया था, और किसानों के बारे में जानना चाहा था गांधी जी ने एडवोकेट से, और एडवोकेट्स ने जो वकील थे वहां पे, दे टोल्ड दैट वी रिप्रेजेंट पीजेंट्स इन द कोर्ट्स, कि हम प्रतिनिधित्व करते हैं इन किसानों का, कोर्ट में इनके मामलों को लेके जाते हैं। तो गांधी जी ने पूछा कि तुम इनसे फीस लेते हो, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम इनसे फीस लेते हैं। तो गांधी जी ने उनको डांटा था, गांधी जी चाइडेड देम एट दैट टाइम दोज लॉयर्स हु टोल्ड दैट दे टेक मनी, दे टेक फी, जो फीस लेते हैं उनको गांधी जी ने डांटा था। अभी यहां से चंपारण मैं जब गांधी जी पहुंच गए तो चंपारण जिला है वो त्रिहट डिवीजन के अंडर में आता है, और त्रिहट के जो ब्रिटिश ऑफिशियल थे, अंग्रेज अधिकारी, उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी से कहा कि तुम यहां से चले जाओ।
तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि गांधी जी इन्वेस्टिगेशन करने लग गए थे वहां पहुंच करके, साक्ष्य एविडेंस जुटाने लग गए थे उन जमींदारों के विरुद्ध, और जमींदारों ने का जो संगठन था उसके सेक्रेटरी ने कहा कि हम तुमको किसी प्रकार का प्रमाण नहीं देंगे क्योंकि तुम बाहरी हो, यू डू नॉट बिलोंग टू चंपारण, सो वी आर अनेबल टू गिव यू एनी काइंड ऑफ एविडेंस। तो गांधी जी ने कहा कि मैं बाहरी नहीं हूं, ये चंपारण मेरे देश का है और मैं इस देश का रहने वाला हूं। तो उस टाइम चंपारण जो त्रिहट के जो कमिश्नर थे उन्होंने गांधी जी को बुलाया और उनको वहां से जाने के लिए कहा। गांधी जी चंपारण छोड़ के नहीं गए, और उस दौरान गांधी जी कहां चले गए, मोतिहारी चले गए। मोतिहारी जो चंपारण की राजधानी था उस टाइम पे, अभी मोतिहारी को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना लिया गांधी जी ने कि यहीं से मुझे सब कुछ चंपारण की लड़ाई लड़नी है। तो मोतिहारी में गांधी जी को एक न्यूज मिली कि एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, माल ट्रीट किया गया है उस किसान को। तो गांधी जी क्या है कि हाथी पर बैठकर उस किसान को देखने के लिए जाते हैं। इसी दौरान जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ कमिश्नर पुलिस होता है एसपी, उसका मैसेंजर आता है और वो गांधी जी को रोकता है और उनको एक लेटर देता है। गांधी जी उनके साथ वापस चल देते हैं और गांधी जी को वापस वो मोतिहारी उनके घर पे छोड़ देता है, क्वार्टर पे छोड़ देता है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम यहां से छोड़ करके चले जाओ। गांधी जी ने रिटन में दे दिया था कि मैं यहां से छोड़ करके नहीं जाऊंगा। तो गांधी जी ने क्या किया कि यहां पे कानून तोड़ा, लॉ ब्रेक किया, कानून तोड़ा कि उनको एक नोटिस आया कि तुम यहां से चले जाओ। पुलिस ने नोटिस भेजा तुम यहां से चले जाओ, गांधी जी ने मना कर दिया कि मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तो अभी क्या हुआ कि मोतिहारी में जो कोर्ट था वहां से गांधी जी को समन आ गया, समन मींस कानूनी नोटिस आ गया कि तुम यहां पे आके उपस्थित हो कोर्ट में। तो गांधी जी कोर्ट में उपस्थित हुए। इससे पहले गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को और बिहार के जो प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, प्रोमिनेंट लॉयर्स के रूप में मौलाना मजरूल हक, ब्रज किशोर बाबू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको टेलीग्राम कर दिया सुबह सुबह। ये वकील वहां पे आ गए और मोतिहारी में किसान भी आ गए इकट्ठा होकर के, चंपारण से किसान आ गए। उनको लगा कि एक महात्मा है और वो हमारे पक्ष में है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए आए हैं। तो बहुत किसानों का हुजूम इकट्ठा हो गया मोतिहारी में। तो उनको गांधी जी कोर्ट में गए, तो कोर्ट में जाने पर उन्होंने बताया कि तुम यहां से छोड़कर क्यों नहीं गए। तो गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ पे मानवता की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा कानून तोड़ा है, तुम्हारे लीगल जो नोटिस तुमने भेजा यहाँ से जाने की, मैं गया नहीं, इस रूप में तुम मुझे सजा दो, मुझे जो भी पेनल्टी मेरे ऊपर बनती है, जो पनिशमेंट बनता है वो मुझे दो, क्योंकि मैं यहां से छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। अभी वहां पे मजिस्ट्रेट को पता लगा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई है मोतिहारी में, जिसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था पुलिस के लिए। तो गांधी जी की हेल्प ली गई उन किसानों को कंट्रोल करने के लिए। और फिर थोड़ी देर के लिए मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद फैसला सुनाना चाहूंगा और तुम जमानत देकर थोड़ी देर के लिए फ्री हो, दो घंटे के लिए फ्री कर दिया। गांधी जी ने कहा कि मैं किसी प्रकार का जमानत नहीं भरूंगा। तो यूं ही फ्री कर दिया गांधी जी को दो घंटे के लिए। और उस दो घंटे के दौरान गांधी जी ने क्या किसान उनसे बात की, उनसे बात करी यहाँ पे वकीलों से, और वकीलों से बात करने के दौरान गांधी जी ने कहा कि यदि मुझे ये जेल में डाल देते हैं तो तुम क्या करोगे। वकीलों से बात की तो वकील गांधी जी से थोड़ा दूर जाकर के बातचीत करने लगे और उन्होंने कहा कि यदि तुम जेल में चले जाओगे तो वहां पे वकील बात करने लगे कि यदि ये जेल में चले जाएंगे तो किसान अपने घर चले जाएंगे, हम भी अपने घर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने आकर के सलाह मशवरा किया कि एक बाहर का व्यक्ति है जो चंपारण का है भी नहीं, बिहार का भी नहीं है, वो यहाँ के लोगों के लिए फाइट करना चाहता है, तो क्यों ना हम इस व्यक्ति का साथ दें। तो वहां पे वो वकील फिर से आए गांधी जी के पास और उन्होंने कहा कि यदि आप जेल चले जाते तो आपके पीछे पीछे हम भी जेल चले जाते। और गांधी जी ने कहा कि तो ठीक है, फिर इस तरह से हमने यहाँ पे ये जो चंपारण की जो लड़ाई है वो हमने जीत ली है। तो इस दौरान मजिस्ट्रेट ने भी गांधी जी को छोड़ दिया, और छोड़ देने के बाद गांधी जी ने क्या किया, चंपारण पहुंच करके और अब साक्ष्य जुटाने लगे। साक्ष्य जुटाते हुए वहां के जो एलजी थे वाइसराय, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड गेट, एडवर्ड गेट ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी एडवर्ड गेट के पास गए और उन्होंने किसानों की समस्या
को रखा एडवर्ड गेट के सामने, तो एडवर्ड गेट ने क्या एक कमीशन गठित कर दिया जिसमें अंग्रेज अधिकारी थे, कुछ जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो भी थे, और गांधी जी एकमात्र प्रतिनिधि थे जो किसानों की तरफ से थे कि ये देखने के लिए कि वास्तव में किसानों का शोषण हुआ है कि नहीं। और उस कमीशन ने तय किया कि हाँ वाकई में यहाँ किसानों का शोषण हुआ है। तो क्षतिपूर्ति के रूप में जो राशि ली गई थी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा, उसको लौटाने की बात आ गई, तो गांधी जी ने कहा कि 50% राशि हमें वापस चाहिए, लेकिन जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड थे वो 25% पे अड़े हुए थे कि हम 25% राशि दे देंगे, तो गांधी जी 25% पे मान गए। गांधी जी ने कहा कि 25% के लिए मैं इसलिए मान गया क्योंकि मुझे तो ये दिखाना था कि जो अंग्रेज ताकत है हम उसको भी चुनौती दे सकते हैं, अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है, मैं तो ये दिखाना चाहता था कि उनकी प्रतिष्ठा को भी धक्का पहुंचाया जा सकता है। और वो इस डर को, जो डर था किसानों के मन में अंग्रेज ताकत का, उस डर को निकाल देना चाहते थे गांधी जी, किसानों के मन से भय को निकाल देना चाहते थे। इसके बाद यहाँ पे जो एडवर्ड गेट थे उन्होंने लेटर भेजा गांधी जी के पास कि जो तुम्हारा केस चल रहा है तुम्हारे ऊपर, यहां से उस केस को ड्रॉप किया जाता है। तो गांधी जी की यहाँ पे जीत हुई थी, 25% मनी बैक ले ली थी गांधी जी ने। और फिर गांधी जी केवल राजनीतिक आंदोलन से ही जुड़े हुए नहीं थे, हाँ गांधी जी ने सोचा कि ये जो मैंने यहाँ की यात्रा की है कुछ ही दिनों में मैं उसको समाप्त करके और वापस आ जाऊंगा, लेकिन गांधी जी का पूरा एक साल इस चंपारण ने ले लिया था, पूरे एक साल चंपारण में ठहरे रहे थे। और गांधी जी ने केवल राजनीतिक दृष्टि से ही नहीं, वहां की कल्चरल और कल्चरल एज वेल एज सोशियल जो बैकवर्डनेस थी, पिछड़ापन था, उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए भी गांधी जी ने हेल्प की। गांधी जी ने टीचर्स को इनवाइट किया और दो लोग नरहरि पारेख और महादेव देसाई जो गांधी जी के अभी अभी शिष्य बने थे वो आ गए वहां पे, और 6 प्राइमरी स्कूल्स देवर ओपन देयर इन चंपारण, वहां पे 6 प्राइमरी स्कूल खोले गए एजुकेशन देने के लिए। साथ ही वहां पे देवदास जो गांधी जी के यंगेस्ट सन थे वो भी आ गए, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा देवी वो भी आ गई, उन्होंने कस्तूरबा देवी ने सिखाया कि व्यक्तिगत स्वच्छता भी इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ कम्युनिटी की जो क्लीनलीनेस है वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे उन लोगों की ट्रीटमेंट के लिए, बीमारी के इलाज के लिए ये 3 तरह की मेडिसिन सजेस्ट किया करते थे, कैस्टर ऑयल, कुनैन, सल्फर ऑइंटमेंट, ये 3 तरह की दवाई, किसी को अगर फीवर होता तो कुनैन दिया जाता, किसी के फोड़े फुंसी हो जाते, ब्लिसर हो जाते तो उसको सल्फर ऑइंटमेंट दिया जाता, इस तरह से ये दवाइयां थी। लास्ट का एक एपिसोड बड़ा इंपॉर्टेंट है, गांधी जी ने सेल्फ रिलायंस का पाठ पढ़ाया, स्वावलंबी होने का पाठ पढ़ाया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, वो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी की मदद करना चाहते थे अंग्रेजों के विरुद्ध। तो दूसरे जो एडवोकेट थे मौलाना मजरूल हक या ब्रज किशोर बाबू या राजेंद्र प्रसाद, ये चाहते थे कि चार्ल्स प्रियर एंड्रयूज हमारी मदद करें, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों से मदद नहीं लेंगे, हम और हमें खुद ही अपनी लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़नी होगी। तो यहाँ पे उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और उनको जीत भी प्राप्त हुई। इस समरी का जो कंप्लीट आप लेसन पढ़ना चाहेंगे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं 3 पार्ट तैयार हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा लेसन मिल जाएगा। ये समरी हो गई और लेसन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, तो बने रहिए मेरे साथ, अगले लेसन की मैं समरी लेके आऊंगा। और सब्सक्राइब कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।